Let's start with the 28th question. Here it says that the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio this and this. अब रेशियो ये निकालनी है हमें हमें बोला कि क्या दो नंबर्स हैं, लेट से कि एक ए है और दूसरा बी है, और उस वो किसके इक्वल है, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन. अब ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट रूट ए बी. तो 6 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, रूट ए बी से. अब इस क्वेश्चन में ना आपका कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. लेट सी कि लगता कैसे. लेट से कि आपके पास एक्स वाई था और राइट साइड पे ए बाय बी था. अब यहाँ पे ऊपर वाली फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई की, और नीचे वाली क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई की. और ऊपर वाली ए बी वाली फॉर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, नीचे वाली क्या हो जाएगी, ए माइनस बी. अब इसी का हमने यूज करना है यहाँ पे. पहले तो हम ना क्या करेंगे, 6 को ब्रेक डाउन करेंगे 3 × 2 में, 3 × 2 रूट ए बी. अब आपके पास क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 2√ab, और राइट पे आपके पास क्या बचा, 3/1. अब हमने क्या करना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है यहाँ पे. कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो कैसे लगेगा, ऊपर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी में से तो 2√ab माइनस होगा, नीचे क्या होगा, ए प्लस बी, और नीचे क्या आएगा हमारा फाइनली, सॉरी प्लस होगा ऊपर और नीचे माइनस होगा, 2√ab इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगना है आपको, तो इट वुड बी 3+1, और नीचे क्या हो जाएगा, 3-1. अगर हम ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड हमारी कैसी है, थोड़ी सी इट लुक्स लाइक कि ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है. कैसे, देखो ध्यान से, इसको हम कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे, ए को क्या हम रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. बी को क्या हम रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. और हमारे पास है क्या लास्ट में, 2√ a√b. नीचे आपके पास क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2√ a√b. राइट साइड पे आपके पास क्या है, 2/1. अब यहाँ पे लेफ्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर होल स्क्वायर. नीचे क्या आ जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर. राइट में आपके पास 2/1 है. अब स्क्वायर है ना हमारे पास, स्क्वायर किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा, एंड इट विल बिकम अ रूट. तो राइट साइड पे हमारी वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, -√2 में. यहाँ पे आपका हो गया रूट ए माइनस रूट बी, और राइट पे क्या हो जाएगा, √2. अगेन वी हैव टू अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हियर, क्योंकि अभी भी हमारी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि रेशियो देखो क्या निकालना है हमें. वी हैव टू फाइंड इट एज 3+2√2 एंड 3-2√2. सो अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हियर, सो आपको क्या मिलेगा, ऊपर रूट ए प्लस रूट बी, एंड वॉट वी विल हैव इज प्लस करना पड़ेगा रूट ए माइनस रूट बी को. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नीचे क्या चेंज आएगा, हमारा रूट ए प्लस रूट बी प्लस में आएगा, देन माइनस रूट ए माइनस रूट बी. राइट साइड पे √2 में +1 कर दोगे, नीचे क्या करोगे, √2-1 कर दोगे. अब ऊपर देखते हैं हमारी वैल्यू क्या बनती है, रूट बी से रूट बी तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचा हमारे पास 2√ a, नीचे क्या बचेगा, रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इट विल गेन माइनस ना, दिस विल गेन प्लस, तो हमारा आ गया 2√b. 2 से 2 कैंसिल. अब आपके पास राइट साइड पे क्या, √2+1, √2-1. स्टिल यू कैन सी कि आंसर इज नॉट सेम. तो बस एक और स्टेप अब हमारा रह गया, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायर कर दोगे तो लेफ्ट साइड से रूट तो हट ही जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ए बाय बी बचा, और √2+1 का स्क्वायर करोगे, √2-1 का स्क्वायर करोगे, तो √2+1 का स्क्वायर विल बी √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2√2. नीचे क्या आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√2. तो फाइनली आपका आंसर इज नाउ एग्जैक्टली सेम एज द गिवन फॉर्म. अब देखो √2 का अगर स्क्वायर हम ओपन करें तो 2 आता है ना, तो 2+1 कितना हो गया,
3, 3 प्लस 2 रूट 2, नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, सो दैट वुड बी योर कंप्लीट आंसर टू 20th।